अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम दा स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से रहें। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे एग्जाम के हवाले से। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कुछ हिंट दिए थे और तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के ऊपर एक अपडेट आने वाली है और आप जानते हैं कि हर आने वाली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले यूट्यूब चैनल ब्रेन अकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है। और इंशाल्लाह यार, मैं पहले से आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मुझसे जितना हुआ मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इस वीडियो को आपने देखना है विदाउट स्किप किए। तो खैर, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। लाइक के आपके कोई भी पैसे नहीं लगते लेकिन थोड़ी सी हौसला वजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू वेरी मच। आप बात कर लेते एग्जाम पोस्टपोनिंग के ऊपर, जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, किस किस क्लास के हुए हैं और बाकी बच्चों के एग्जाम कब होने हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट में एफए, आईकॉम, एफएससी यूनिवर्सिटी जो करारी एफए में इंटरमीडिएट में क्लासें, वो तमाम क्लासें, उसके बाद एटीटीसी प्रोग्राम्स और कुछ दीगर प्रोग्राम्स जो हैं जिन बच्चों के एग्जाम होने थे, जी हाँ बिल्कुल, उनकी इवन के डेट शीट आ चुकी थी, रोल नंबर स्लिप भी आ चुकी थी, लेकिन सडनली उन बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन करना पड़े यूनिवर्सिटी को। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से क्या मजीद पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी मैं आपको यह बता दूं कि डेयर स्टूडेंट्स, इन बच्चों के जो एग्जाम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बच्चों को भी बताता हूं, तो इन बच्चों के जो एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, अब ये 14 को होंगे लेकिन कुछ लोकेशन बताई गई है उस जगह पर इन बच्चों के, मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता दूं मीरपुर, उसके बाद कुछ और लोकेशन बताई गई वहाँ पर आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड है, बाकी जो है आपके एग्जाम होने हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी करें। और जो बच्चों जिनके पोस्टपोन्ड हुए हैं उनके भी होने हैं लेकिन कब होने हैं वो भी मैंने डेट आपको बता दी, 14 मार्च को होंगे, ठीक है। जहाँ पर नोटिफिकेशन इस साइड पर, इस साइड पर लगा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लीजिएगा। BA BCOM के एग्जाम कब होने हैं मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको तफसीलन डिटेल से बताया, वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वीडियोज को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको हिंट देता चलूं, एमए, उसके बाद एमए तमाम तरह डिजिटल क्लासेस के हवाले से मैंने आपको अलग अलग से वीडियो के अंदर बता चुका है, बता रखा है और मैंने आपको बता दिया है। और जल्दी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाली है, यकीनन आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप तमाम तरह स्टूडेंट्स ने खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना है और कमेंट बॉक्स में भी खत्म नबूवत जिंदाबाद आपने जरूर लिखना है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ, मेरी शेयरिंग जारी रहेगी और हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, शौकीन है, तो इस टॉपिक पर हमने चैनल बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को आप जरूर फॉलो करें और घर बैठे आप अर्न करें। खैर, अब तक के लिए इतना ही, आप मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट।